पुराना है, हम दबना मोटी है कि इतना दबते। ये वाला माय फिटनेस पीनट बटर मिलेगा, आई कमेंट इनको लगा कि फेक है। दोस्तों करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज अपडेट लेकर आया हूँ भाई, मैं नितिन चंदीला भाई की और अनुज तल्याण भाई की और एक तीसरा भाई है भाई रविंदर मलिक। रविंदर मलिक भाई ना आप लोग शायद बहुत कम जानते होंगे, सभी लोग ना जानते हो, मैं उनका यहाँ इंस्टाग्राम आईडी लगा देता हूँ। 5 टाइम मिस्टर इंडिया भाई, 1 टाइम साउथ एशिया है और एमएचआर ओलंपिया में भी उनका मेडल है। उनकी मैं आगे पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कैसी उनकी बॉडी तैयार हो रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने जा रही है दोस्तों, ये 6 तारीख से लेके दिसंबर में 12 तारीख तक होगी, 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अपने 3 प्लेयर जाने लग रहे हैं, नितिन चंदीला हो गया अपना, अनुज तल्याण हो गया, एक ये रविंदर मलिक भाई हो गया। तीनों की बॉडी देख लेना। एक भाई युद्धवीर डागर भाई ने अपने वीडियो में आके आप लोगों के कुछ अपने जो देशी अंदाज में अपनी राय देता भाई अपने छोटे बड़ों के लिए वो बताया, वो देख लेना आप। बाकी वीडियो के एंड में मिलते हैं, एक बार आप सभी के सभी भाइयों की फिजिक चेक करो। फ्रंट डोलर से मार फ्रंट चल तो बोल रही ना लेग्स साइड चेस्ट बोल लेग्स बैक डोलर से बैक बैक पैर फ्रंट लगा दे ना क्लियर हो रही है। चलो फ्लेक्स करो यार, बस एब्डोमिन फ्रंट लैट्स कौन सा अच्छा है। हाँ जी दोनों दिखा देंगे ना, ये कमेंट करके बताइए मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। बड़ा ये वाला है पर ये हार्ड टू कपड़ा है ना, तो रिलैक्स नहीं होता भाई। ये कंडीशन है अभी 10 से 12 दिन आउट है अपनी गेम से, तो आपके बोलने पे मैंने ये कंडीशन आप लोगों को दिखाई और
इसलिए पहचान दवा ना कोई बुझेगा तो तू करे क्या करे भाई, तो तेरे कुछ बताने का ना होगा तू रील बनाया करे मेरी या पहचान रील बनाया करूँ मैं, अरे को नया चल रहा कुछ हो मतलब कुछ भी साउंड चला के दे देंगे। बहुत सारी रील तो मैंने देखा करे उनकी साउंड पाया करे जिस तरह जिम वाले बड़ा डिमोटिवेट हो है। बॉडी बना के हमने क्या करना है, हम तो बिना बॉडी है कि इतना दबते, अरे खसम हो तुम बिना बॉडी ना दबते, बॉडी वाले क्या दबते होंगे, नहीं तो सोच के देखा करो जब तुम बीड़ी सिगरेट पी गए अपने आप ने ठीक मान रहे हो तुम ना दबते तो जो असल में ठीक है जो बॉडी भी बना रहे हो वे क्या मानेंगे तुमने, असल जिंदगी में रहो सही बात देखो, चलो मेरी बॉडी देखो तुम तो अपने पहचान है भाई बॉडी बिल्डर और अपने काम पर पूरा फोकस है 100% बॉडी बिल्डिंग में जो करना चाहिए रेस्ट खाना मेहनत वो सब कुछ अपनी ओर तो 100% देने ला रहे हैं भाई, यो है मेरा काम है यो मैं करने लग रहा हूँ। तो भाई लड़ लो सारे भाई यार ये बात कहूँ मैं तो जो मेरे तो छोटे हैं और जो बड़े भी हैं वे भी सुन लो भाई काम का बात ने बढ़ा के की हो वीडियो लाइक शेयर करके गलत चीज़ें फेमस मत करो बढ़िया काम करो और जो भाई जिम तो जुड़े उड़े हैं उन ती सला दूँ यो सला का काम है भाई कई साल लगेंगे जब जाकर ने आराम आराम तो मसल तैयार होंगी। कोई भी सप्लीमेंट कोई भी प्रोटीन कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जिसका प्रोटीन सप्लीमेंट लिए तो तुम एकदम से तगड़े हो जाओगे, महीना में साला में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा कर ही मेरा गेम है, हारूंगा जीतूंगा सो बात है पर हम तो तैयार हैं भाई, मैं तो अगले साल ती भी तैयार हूँ उस अगले ती भी तैयार हूँ उस अगले के लिए भी तैयार हूँ, कम में यो है करना यो है और तो कुछ कम में कौन है। तो जो बोल रहा अगर 3 महीने में हो जाएगा 2 महीने में हो जाएगा कुछ ना होता किसी का, पानी आखिर में जाके झील में रुक के अगर समझ लो इस बात ने, जो जीसा है उसा ही है, सच्चाई सच्चाई है भाई सच्चाई यही है, जिसकी जो फील्ड है उसमें जी जान लगाओ अपनी बढ़िया मेहनत करो कामयाब वो होगा जो सबसे बढ़िया एफर्ट देगा, अपने ऊपर लेने देखो जो कामयाब हो रहा है सीखो पूछो बताओगा नहीं तो देखो उसने किस तरह वो कामयाब होया है, सब एक लेवल पर तो शुरू करे हैं नीचे दे उठ कर सब ऊपर जावे हैं, तो ये पुकरी बातें तो दूर हो जाओ गाड़ी बंदूक की बात नशे दिखाने दारू सिगरेट दिखानी सोशल मीडिया पर इन तो मोटिवेशन लेना बदमाशी के गाने सुनना कोई असल असलियत नहीं है जिंदगी की, हकीकत कुछ नहीं है इसमें, हकीकत यह है जो कामयाब होगा जो मेहनत करेगा। तो दोस्तों आपने तीनों भाइयों की अपनी बॉडी देखी होगी, आपकी नजरों में किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी लग रही है आपको कमेंट में बता सकते हैं, युद्ध विडागर भाई का समझाने का तरीका कैसा लगता है आपको बताओ। बाकी भाई मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, कल तरुण गिल ने एक दो फोटो अपडेट करे थे और उसमें एप्स वेप्स में कुछ लोग कह रहे कि फोटोशॉप कर रखा है, तो कल तरुण गिल अपडेट हो गया था दोबारा से गायब हो गया था। एक भाई साहिल खान ने जो ये माई फिटनेस का पीनट बटर है इस पे एक स्कीम निकाल ली है। एनीवेज अब आप लोगों को आईफोन देने का टाइम आ गया है, सो जो भी आप में से कोई भी अगर आईफोन जीतना चाहता है तो आपको माई फिटनेस पीनट बटर के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डाल देता हूँ यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट पर जाइए खरीदिए। और आपने देखा होगा कई आईफोन हम दे चुके हैं और किसी को भी अगर ये वाला माई फिटनेस पीनट बटर मिलेगा तो आपको इतला कर दिया जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर जितने लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं आप कर लीजिए, वहाँ पर उस इंसान की वीडियो बाइट या तस्वीर विनर की आ जाएगी और हम जिसको फ़ोन देंगे उनसे कहेंगे कि भाई वीडियो दे दीजिए। आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मैं अपने ही किसी जान पहचान वाले को दूंगा, ऐसा कभी मैंने किया नहीं है ज़िंदगी में और ना करूँगा, सो जाइए खरीदिए इस वेबसाइट से माई फिटनेस पीनट बटर। फोन जीतना हो जी एक लक्की विनर को आईफोन 14 प्रो मिलेगा,
तो जरूर भाई अपना देखो लकज मांगे आपको मिलता है। तो एक भाई एक छोटी सी क्लिप और लगाऊंगा मैं, ये क्लिप होगी राजवीर फिटनेस सीरीज की। राजवीर फिटनेस सीरीज ने कहा था भाई अभी भाई का उसका जन्मदिन तो चला गया, जन्मदिन पे गाड़ी एक्सयूवी 500 गिफ्ट गिव अवे करना था, तो वो टाइम तो बीत गया, लेकिन अभी गिव अवे की बात यह थी मतलब उसमें कि हम पर्ची डालेंगे, जो डेली कमेंट करेगा, जो नजरों में आएगा, जो सबसे जबरदस्त उनका फैन होगा उसको वो गाड़ी गिव अवे दी जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पर वोटिंग करा के ये चेक करा भाई मैं ना अपनी पसंद के किसी एक को मेरी नजरों में कोई बंदा उसको गाड़ी देना चाहता हूं। तो ये छोटी सी क्लिप ये चेक करना और आप बताना भाई ये गाड़ी देना ठीक है कि मतलब इस तरीके से, या वोटिंग होनी चाहिए थी, आप भी बताना कमेंट में। और एक भाई एक ये वीडियो तो आप देख ही लेना, राजवीर फिटनेस सीरीज वाला मैं लगा दूंगा लास्ट में। एक मैं मेरा क्वेश्चन ये है भाई, नेक्स्ट 5 ईयर में मिस्टर ओलंपिया में अपने भारत से कोई ऐसा बॉडी बिल्डर आप लोगों की नजरों में ऐसा है जो ओपन बॉडी बिल्डिंग है, जो बिग रेमी वाली लाइनअप है, इसमें जो टॉप 5 में भी कोई आ सकता है, तो आप कमेंट में जरूर बताना आप कौन से एथलीट को ऐसा मानते हो कि उस एथलीट के अंदर पोटेंशियल है ओपन बॉडी बिल्डिंग में टॉप 5 में भी अगले 5 साल में आ जाएगा। तो ये आप अपने कमेंट में जरूर बताना, आपको लगता है कि आप मिस्टर ओलंपिया में कोई टॉप 5 में क्रैक कर सकता है अगले 5 साल में। और तो ये आज के सारे अपडेट थे, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। आप राजवीर फिटनेस क्लिप फिटनेस वाली ये क्लिप और देख लो, बाकी वीडियो इसके बाद दी एंड हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अब ये देखो, ये था हमारा जबरा फैन ले जाएगा मेरी कार एक्सयूवी, जिसके अंदर की 2 लाख के आसपास व्यू थे, 19,000 लाइक, 27,000 कमेंट। कुछ लोगों को इतनी जल्दी थी कमेंट करने की कि वो लाइक करना भी भूल गए वीडियो। 27,000 कमेंट थे इस वीडियो पे, उसके बाद कमेंट घटते चले गए, 9,000, 7,000, 10,000, 3,500, ये सारे कमेंट घटते चले गए, और होते होते अब ये हमारे यहाँ आ चुके हैं कमेंट्स कि एक वीडियो के ऊपर आज बेटे एक वीडियो के ऊपर 600 27,000 कमेंट्स है, 600 कमेंट हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो 2-4 दिन करने आए कमेंट, जिनको लगा कि फेक है। बट अब मैं आता हूँ असली बात पे, जैसे मैंने बोला था कि मेरी नज़र में आना और जबरा फैन जो भी होगा, तो मुझे पूरी भीड़ में एक लड़का ऐसा दिखाई दिया है जिसको कि मैं चाहता हूँ दिल से कि उसको ये एक्सयूवी जाए, मेरी गाड़ी जाए, और मैं उसको बुला के अपने घर अच्छे से स्वागत करके उसको मेरी गाड़ी देना चाहता हूँ। बट बात हुई थी पर्चियों की, तो पर्चियों में 2-4-6 लाख के लिए मुझे भाई बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सयूवी जिस दिन से गिव अवे बोला है वैसे ही खड़ी है, थार चल रही है, रेंज रोवर चल रही है, सियाज चल रही है, तो भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसे चलाने की, तो मुझे ऐसे भी नहीं मुझे देनी। और आपको मैंने मैसेजेस भी दिखा दिए मेरे कितने सारे भाइयों का है, हमें दे दो पैसे ले लो और ये बोल लो गिव अवे दिया, तो वो काम भी नहीं करना। तो अब आप बोलोगे कि पर्ची के अंदर फालतू के नाम डाल दो कमेंट उठा उठा के, तो वो भी डाल दूंगा। और आप बोलोगे कि राजवीर सर जो आपको पसंद आया एक लड़का, दिल से मैं सच में दिल से चाहता हूँ उसके पास जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ैन आज तक पहले कभी नहीं दिखा, ऐसा भाई पहले कभी नहीं दिखा, तो मैं चाहता हूँ उसके पास जाए। तो आप लोग अगर RFS आर्मी बोलेगी कि पर्चियाँ बनाओ, तो मैं पर्चियाँ बना दूंगा भाई आपके कहने से। अगर उसको नहीं जाती तो मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दूंगा बाद में। और आप चाहते हो कि मैं उसको दे दूं, तो मैं उसी को दे दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, जैसा RFS आर्मी बोलेगी, भाई आपका हुक्म मेरी सर आँखों पर है, बट मैं चाहता हूँ उसके पास जाए, क्योंकि खामा खामे किसी। और यार तो भाई एक बात तो क्लियर है कि सारे जो भाई हैं हमारे, उनकी सोच बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसे भाइयों ने वोट किया कि भाई अपने पसंदीदा को दे दो, तो अभी इसने मुझे कहा कि भाई कौन है बिना, तो मैंने इसको नाम बताया करा भाई, माँ कसम मैं भी वही बोलने वाला था भाई, सेम नाम मैं भी बहुत दिन सोचा था, और वही भाई निकला है। मतलब उस भाई ने कोई लालच में नहीं, वो भाई जेन्युइनली 7-8-9 महीने से शायद ऐसे गिव अवे से पहले भी कर रहा है, गिव अवे से पहले से कर रहा है। और वो डिजर्विंग है भाई, हम भी कर रहे थे, लेकिन हम DM कर रहे थे भाई, DM वो भी कर रहा है, उसका DM दिखाऊंगा तुम्हें, एक भी रिप्लाई नहीं किया मैंने आज तक। कई बार दुखी हुआ भैया, आप सबकी स्टोरी लगाते हो, मेरी लगाते, स्पेशली मैं जान के उसकी नहीं लगाता था, से बात करता कि भैया सबकी लगाते मिलने पर, भैया कोई बात नहीं मैं तो जब भी करूंगा आपका भी तो लगाओगे। तो आधे भाई कहेंगे हम DM कर रहे थे तो आपने हमारा DM देखा नहीं, भाई कमेंट में तो आ सकते थे उसका, ऐसे हो जाना सारे भाई यार, मजा आ जाएगा।